80 और 90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस थी मीनाक्षी सेशाद्री। आजकल मीनाक्षी जो है अमेरिका में रहती हैं, उनके दो बच्चे हैं और वहाँ वो जो है डांस सिखाती हैं। लेकिन एक दौर था जब मीनाक्षी का जो है जलवा बॉलीवुड में सबके सिर चढ़कर बोलता था। मीनाक्षी का जादू कुछ ऐसा था कि एक फिल्म मेकर और एक मशहूर सिंगर को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। सिंगर को तो मीनाक्षी से इस कदर प्यार हो गया कि उसने अपनी बीवी को तलाक तक दे दिया। वो भी 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को उन्होंने मीनाक्षी सेशाद्री के कारण छोड़ दिया। तो पूरी कहानी बताते हैं कि मीनाक्षी जो है फिल्म हीरो से जो है बॉलीवुड के फलक पे चमकी थी और उसके बाद 80 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती समेत उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। वहीं 90 के दशक में उनकी जोड़ी जो है सनी देओल के साथ बनी और उन्होंने उनके साथ घायल फिल्म में काम किया, घातक फिल्म में काम किया, दामिनी फिल्म में काम किया और ये सभी फिल्में जो हैं फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने बनाई थी। मीनाक्षी का नाम जो है बॉलीवुड के एक्टर से नहीं जुड़ा, लेकिन राजकुमार संतोषी जो कि जिनकी फिल्मों में काम करके वो बॉलीवुड की दामिनी बनी, मशहूर एक्ट्रेस बनी, उनका दिल जो है मीनाक्षी पर आ गया था। और वो फिल्म थी घायल, जिसके एक सॉन्ग की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी को मीनाक्षी इतनी प्यारी लगी कि उनको वो उन पर प्यार आ गया और वो उनसे शादी तक करना चाहते थे। कहीं ना कहीं मीनाक्षी को भी राजकुमार संतोषी पसंद थे और इस बात का खुलासा उस दौर की एक जर्नलिस्ट ने किया है कि मीनाक्षी भी राजकुमार संतोषी को पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत ही समझदार फिल्म मेकर थे, बहुत ही संजीदा किस्म के इंसान थे। लेकिन मीनाक्षी की माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं था। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि उनकी बेटी को उन्हीं की तरह खूबसूरत कोई नौजवान मिले, कोई ऐसा लड़का उनसे शादी करे जो हैंडसम हो। तो मीनाक्षी की माँ ने हमेशा से राजकुमार संतोषी के साथ उनके जो रिश्ते थे या जो भी था उसको नकारा और मीनाक्षी ने भी हमेशा अपने कदम खींच लिए। कई बार मीनाक्षी ने यह भी जताया कि वो राजकुमार संतोषी को पसंद करती हैं लेकिन वो उनसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी माँ को वो पसंद नहीं। दामिनी जैसी फिल्म जो है उन्होंने राजकुमार संतोषी की फिल्म में काम करके दिया और बहुत सारी फिल्में जो है उन्होंने उनके साथ की और फिल्म दर फिल्म कह सकते हैं मीनाक्षी का जलवा बॉलीवुड में कुछ ऐसा हो गया था कि वो माधुरी दीक्षित को टक्कर दिया करती थी। मीनाक्षी का नाम जो है आपको बताएं सिर्फ राजकुमार संतोषी से ही नहीं जुड़ा या फिर मीनाक्षी के प्यार में राजकुमार संतोषी ही नहीं पड़े बल्कि एक मशहूर सिंगर भी पड़ा। वो सिंगर थे 90 के दशक के मशहूर सिंगर जो है कुमार सानू। जी हाँ, कुमार सानू ने जो है मीनाक्षी की एक फिल्म में ये गाना गाया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, और ये गाना जो है मीनाक्षी को बहुत पसंद आया था और फिल्म की पार्टी में जो है मीनाक्षी ने उनकी जो है तारीफ कर दी और उसके बाद कुमार सानू भी उन पर लट्टू हो गए। हालांकि कुमार सानू शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी, उनका एक बेबी भी होने वाला था, लेकिन कहा जाता है कि वो फिर भी मीनाक्षी के प्यार में पागल हो गए। कहा जाता है कि मीनाक्षी भी उनमें इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मीनाक्षी की तरफ से ये रिश्ता कितना था, लेकिन कुमार सानू जो है वाकई उनके प्यार में थे। और यही वजह है कि उनकी पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने जब देखा कि उनके पति जो है एक एक्ट्रेस के प्यार में बुरी तरह से पागल है, तो उन्होंने अपने पति को जो है तलाक ले लिया। इस बात का खुलासा खुद कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने जो है बिग बॉस में किया था। उन्होंने बताया था कि उनकी मम्मी जो है 6 महीने की गर्भवती थी और एक एक्ट्रेस के कारण उनके पिता ने जो है उनकी माँ को छोड़ दिया था। हालांकि मीनाक्षी ने हमेशा ही कुमार सानू से अपने संबंधों को नकारा और कहा कि उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कहा यह भी जाता है कि दोनों के बीच रिलेशनशिप था और मीनाक्षी से शादी करने के लिए कुमार सानू ने अपनी पत्नी को तलाक दिया था। मीनाक्षी सेशाद्री के खाते में बहुत सारी हिट फिल्में हैं, वो उस दौर की बहुत मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। साल 1996 के बाद से जो है मीनाक्षी सेशाद्री ने बॉलीवुड की फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन आज भी उनके जो फैंस हैं वो उनको याद करते हैं, उनके कायल हैं। सोशल मीडिया पर मीनाक्षी एक्टिव हैं लेकिन बॉलीवुड से उन्होंने पूरी तरह से दूरी बना ली है। वो अब अमेरिका में रहती हैं और वहीं वो जो है डांस सिखाती हैं। उनके दो बच्चे हैं, उनके पति जो है हरीश मैसूर उनका नाम है, वो जो है वहीं अमेरिका में उनका कारोबार है और पूरा परिवार वहीं पर सेटल है। कभी कभार जो है मीनाक्षी का जो है इंडिया आना होता है।